फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हम लोगों को इसका आउटर शेप ड्रॉ करना है। इसका शेप कोई भी ज़्यादा फिक्स्ड नहीं होता है, तो जैसा मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ कोई भी शेप आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। बस थोड़े से कर्व्स रखने ताकि सीडोपोडिया ड्रॉ हो जाए अच्छी तरह से। बाकी इसका कोई एग्जैक्ट शेप नहीं है, तो आप किसी भी शेप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं सिंपली। ये मैंने इसका आउटर शेप ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हम इसके इनर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, जैसे कि इसका न्यूक्लियस और वैक्यूल वगैरह। तो वन बाय वन मैं ईच ड्रॉ करता जा रहा हूँ, आप लोग सिंपली मुझे फॉलो करते जाइए। अगर आपने अभी तक इस डायग्राम को ड्रॉ करना स्टार्ट नहीं किया तो मेरे साथ इसे कर दीजिए, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बना के दिखा रहा हूँ। अब आप इसके इनर रीजन को कर दीजिए शेड, और यहाँ पर जो हमने ये ड्रॉ किया है इसके भी सराउंडिंग में बस साइड साइड में थोड़ा सा शेड कर देना है। अगर आपको किसी डायग्राम में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। नाउ गाइस, हम लोगों को इसकी जो सराउंडिंग है यहाँ पर कॉर्नर पर कुछ इस तरह के डॉट्स प्लेस कर देने हैं। डॉट्स सिर्फ हम लोग को बिल्कुल कॉर्नर पर ही करने हैं, साइड साइड में सारे रीजन में हम लोग कर लेते हैं। मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप लोग चाहें तो वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लीजिए और इसकी सराउंडिंग में जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सेम मैनर में आप लोग भी डॉट्स ड्रॉ कर दीजिए। तो कुछ इस तरह से गाइस हम लोगों ने इस डायग्राम को ड्रॉ कर लिया कंप्लीट। अब मैं इसकी फर्दर लेवलिंग कर लेता हूँ, देन आफ्टर गाइस ये हमारा लेबल डायग्राम हो जाएगा कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वाले बेल आइकन को टर्न ऑन करना मत भूलेगा। और अगर आपको किसी डायग्राम में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा।